नमस्कार दोस्तों, ओम शिव ओम शिव ओम शिव। दोस्तों आज तारीख है 13 नवंबर 2020, शुभ दिन है शुक्रवार का दिन, शुभ नक्षत्र है चित्रा, शुभ तिथि है त्रयोदशी। दोस्तों सबसे पहले उन दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिन है। ये साल आपके लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, लाभदायक हो। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उसके लिए, उनके लिए एक विशेष उपाय है, वो ये है आज के दिन अगर वो आंवला भगवान कृष्ण और राधा जी के चरणों में अर्पण करेंगे तो उनका कल्याण होगा, उनके सब मनोकामना पूर्ण होंगे, भूमि वाहन और रोग आदि से उनकी मुक्ति होगी और भूमि वाहन का योग्य योग बनेगा। सबसे पहले आज धनतेरस की आप सबको शुभकामनाएं। दोस्तों धनतेरस का दिन, आज के दिन आरोग्य के देवता धन्वंतरि जी का जन्म हुआ था, अर्थात समुद्र मंथन में से आज धन्वंतरि जी प्रकट हुए थे। आज अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आप बीमारी से परेशान हैं, तो आज के दिन अपनी दवा अपनी मेडिसिन धन्वंतरि जी की तस्वीर को अर्पण करें, उनसे प्रार्थना करें इसमें शक्ति दें, बल दें और हमें रोगों से छुटकारा मिले। उसके बाद आप उस दवा को ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण होगा, आपके ऊपर दवा असर करेगी और धीरे धीरे आप दवा से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों धनतेरस के दिन आज का एक विशेष योग होता है घर में सोना खरीद के लेके आने का, सोना चांदी या बर्तन खरीद के लेके आने का। जो दर्शक सोना खरीदने में समर्थवान नहीं है, ऐसे दर्शकों को लिए आज एक विशेष उपाय मैं बताने वाला हूँ जिसके करने से आपके घर में हमेशा ही धन धान्य की बरकत रहेगी और आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे। आज के दिन धनतेरस के दिन आप चांदी की एक जोत ले आइए भगवान के लिए, जिससे आप भगवान की आरती या पूजा करते हैं, ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी की स्थिरता प्राप्त होगी और आपका घर धन धान्य से भरपूर भरा रहेगा। दोस्तों कल दीपावली है, कल विशेष वीडियो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा जो कि आपके लिए लाभदायक होगी। उसमें दीपावली का मुहूर्त, पूजा करने का मुहूर्त स्थिर लगन में और अस्थिर लगन में, जैसे कि दुकान के अंदर फैक्ट्री के अंदर हम जो पूजा करते हैं वो अस्थिर लगन में की जाती है, घर की पूजा स्थिर लगन में होती है ताकि लक्ष्मी माता हमारी घर में विराजमान हो और फैक्ट्रियाँ और दुकान में लक्ष्मी देवी का आना जाना लगा रहे। इसके विषय में विशेष वीडियो कल आप सबके सामने प्रस्तुत होगी, आप उसे देखिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबका कल्याण हो, सबके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, भगवान राजा राम की दया हम सब पे बरसती रहे। बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले दोस्तों आज मन में नई शक्ति होगी, नई ऊर्जा होगी, आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे। थोड़ी सी आपको लापरवाही से बचना है, थोड़ी सी मेहनत ध्यान से करनी है, सोच समझ के करनी है। बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि वाले दोस्तों मनमुटाव हो सकता है आज पारिवारिक सदस्यों के साथ, यात्रा से परहेज रखें, क्रोध से बचें, खर्चों को सोच समझ के करें, खर्चों पे अंकुश लगाएं। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले दोस्तों आज का योग आपके लिए कल्याणकारी है, मेहनत का फल थोड़ी लेट मिलेगा, देरी से मिलेगा, परंतु यात्रा से लाभ होने के भी योग हैं, धन प्राप्ति के भी योग हैं, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, समाज में आपके किए हुए काम की प्रशंसा होगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले दोस्तों बहन भाइयों से, छोटे बहन भाइयों से मुलाकात हो सकती है, कजन से रिश्ता जुड़ सकता है। आज के दिन आपके लिए दिन सौभाग्यशाली है, कल्याणकारी है, शुक्रदेव भी आपकी राशि के स्वामी के साथ चल रहे हैं, मनोरंजन पे खर्च होगा, धर्म कर्म पे खर्च होगा, आपके लिए दिन बढ़िया है। सिंह राशि। सिंह राशि वाले दोस्तों सरकारी उलझन आपके माथे पे अभी भी मंडरा रही है, कोई गैर कानूनी काम ना करें, कुछ ऐसा ना करें जो आपके लिए एलिगेशन वाला हो, आपके लिए नुकसानदायक हो। मन को प्रसन्न रखें, शुद्ध भाव से कार्य करें, ईमानदारी प्रस्तुत करें। कन्या राशि वाले दोस्तों जिज्ञासा आज आपका प्रबल हथियार होगा, आपको आगे बढ़ाने में आज जिज्ञासा ही आपको आगे लेके जाएगी, मनोबल और आत्मविश्वास ये दोनों चीज़ों आज आपको आगे की तरफ धकेलेंगी। आप बरकरार रहिए, कोशिश करते रहिए,
मन मुटाव, पुरानी बातों को भूलने का प्रयास करें। बात कर लेंगे तुला राशि की। तुला राशि वाले दोस्तों, सेहत के लिहाज से थोड़ा समय अनुकूल नहीं है, थोड़े याददाश्त भी आज कमजोर होने का भय, मांसपेशियों में सिर में दर्द हो सकता है, सरकारी कार्य अटक अटक के हो सकते हैं, परंतु गाय को गुड़ खिलाने से, गाय को शक्कर खिलाने से इन कार्यों में विघ्न दूर होंगी, आपके सर्व योग सिद्ध होंगे। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, केतु देव का गोचर, थोड़ी सेहत के लिहाज से समय अनुकूल नहीं है, ज़्यादा रिस्क ना लें, कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए नींबुओं का दान करें या नींबू का अचार किसी धार्मिक स्थान पर देते रहें, आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वाले दोस्तों, आज थोड़ा सा दिन सुस्ती भला रहेगा, बहुत कुछ आप प्लानिंग करेंगे परंतु आप आज सर्व कार्य अपने पूरा निपटा नहीं पाएंगे, कार्य की व्यवस्था थोड़ी सही, कारोबार का प्रेशर, जॉब का प्रेशर आज आपको बिजी रखेगा, अपना ध्यान केंद्रित रखें, हो सके तो नाभि पे केसर का तिलक आज लगाएं। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आज आपका काफ़ी समय मेहनत के कामों पे लगेगा, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स आज आपके किए हुए काम की प्रशंसा करेंगे, आज आपके काम की प्रशंसा आपके घर में भी होगी, आज वातावरण आपके अधीन रहेगा, आज आपको तरक्की मिलेगी। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वाले दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, पेमेंट जल्दबाजी में ना दें, कच्चे लालच में ना फंसें, झूठे बहकावे में ना आए, नहीं तो आपका धन आपसे दूर हो सकता है, आप अपने पैसों को कहीं लालच में आके फंसवा सकते हैं, थोड़ा सतर्क रहें। दोस्तों ये था आज का राशिफल, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, ओम शिव ओम शिव ओम शिव।